India-US relationship. It is a very important topic nowadays because of two reasons. First is, it is an equation between world's largest democracy and world's oldest democracy. And second reason is, we can see very huge developments, rapidly changing developments between the two nations. And nowadays it is very important because first is Namaste Trump event, and second is President of the United States has ordered the huge import of hydroxychloroquine and called it as game changer drug. So let us rewind this topic and see the historical background behind this subject. बात शुरू होती है 1947 से, 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ दो नेशंस ने जन्म लिया, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान. दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग चूज़ कर लिए. जैसे इंडिया ने चूज़ किया नाम ग्रुप को ज्वाइन करना. नाम इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा फोकस सिर्फ इंडिया और यूएस रिलेशनशिप से ही होगा. आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कहीं ना कहीं साइड बाय साइड दे दी जाएगी. अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हो, तो आपकी ओवरऑल नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा. ये PDF भी आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा. तो इंडिया चोज टू गो विद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसका मेजर फोकस है कि वो सारे नेशन से एक्सपेक्ट करता है कि उनका एक न्यूट्रल बिहेवियर हो, किसी भी और देश के प्रति ज़्यादा लगाव ना हो और कोई हॉस्टैलिटी भी ना हो, न्यूट्रल बिहेवियर रहे. तो इंडिया ने न्यूट्रल रिएक्ट करना चूज़ किया. लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा चला गया US के तरफ. उस टाइम पर ग्लोबल पावर की बात करें तो US और सोवियत यूनियन था. सोवियत यूनियन जो अब उसे रशिया कहा जाता है. तो पाकिस्तान ने US को चूज़ किया कैसे? सिएटो और सेंटो को ज्वाइन करके. सिएटो इज़ साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटो इज़ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये दोनों जिसका मेजर फोकस US था, उनको ज्वाइन कर लिया ये शो करने के लिए कि वी आर नाउ एलाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, उसके बाद आगे देखते हैं. इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेडली वॉर्स को फेस किया है. 1962 में जब चाइना इंडिया का वॉर हुआ था, तब तो US ने हमारी हेल्प की थी 1962 इंडो सिनो वॉर में. लेकिन जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था 1965 में या तो 1971 लिबरेशन वॉर में, US ने पाकिस्तान की हेल्प की थी. इंडिया का कोई साथ नहीं देने वाला था तब. तब जब 1971 में फाइनली बांग्लादेश काव आउट हुआ, तब इंडिया को लगा कि नाउ वी हैव टू टेक अ न्यू स्टेप. US तो एक ग्लोबल पावर था ही, तो उसकी अपोजिट ग्लोबल पावर क्या था? सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन के साथ इंडिया ने फ्रेंडशिप एंड पीसफुल ट्रीटी साइन कर ली. और इस ट्रीटी को साइन करने के बाद इंडिया और US के रिलेशंस और ख़राब होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब हम फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ रहे थे जो कि US का दुश्मन था. US का बिल्कुल भी एलाय नहीं था. और उसके बाद सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते गए जो कि इंडिया और US के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा था. लाइक 1974 में हमने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया. तो इससे US बहुत ज़्यादा भड़क गया था और रिलेशंस में और ख़राबी देखने को मिली. लेकिन 1991 में बहुत बड़ा चेंज आया वर्ल्ड में. वो ये हुआ कि सोवियत यूनियन था, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो बहुत सारे देशों में टूट गया, जिसको
जिसका आज मेजर पार्ट है रशिया, उसके टूटने के बाद इंडिया को भी ऐसा लगा कि नाउ ग्लोबल लीडर इज यूनाइटेड स्टेट्स. लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ. तो अब इंडिया ने एक बहुत स्ट्रैटेजिक स्टेप लिया कि नाउ अब हमें यूएस के साथ रिलेशन अच्छे करने होंगे बिकॉज यूएस इज़ नाउ बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर. तो हमने उनके साथ रिलेशन इम्प्रूव करना सही समझा. हमने इज़राइल के साथ रिलेशन स्टार्ट किए बिकॉज इज़राइल वॉज द गेटवे टू यूएस. ओके, फिर 1992 में मालाबार एक्सरसाइजेस स्टार्ट हुई. मालाबार एक्सरसाइजेस एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें आज जापान भी पार्टिसिपेट करता है. उसके बाद 2005 से और भी ज़्यादा रिलेशंस फोस्टर करने लग गए. जैसे इंडिया और यूएस ने साइन किया इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम. इससे इंडिया और यूएस में ट्रेड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हम देख सकते हैं. उसके बाद डिफेंस की बात आए तो हमने साइन किया था डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव. हमने बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे इंटर ऑपरेटिबिलिटी एक्सरसाइजेस में हमने एक दूसरों का साथ दिया. हमने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट्स भी यूएस के साइड से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं. अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करें जो कि आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं, जो हमने यूएस से इंपोर्ट किए हैं, वो है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, M777 होविट्जर्स, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-130J सुपर हर्क्यूलस एयरक्राफ्ट और P-81. उसके बाद बात आए तो स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1, जिसका शॉर्ट फॉर्म है STA-1. इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा होगा इट विल इनेबल द एक्सपोर्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, सिर्फ मिलिट्री में नहीं, सिविल में भी, स्पेस में भी, फ्रॉम US टू इंडिया. मतलब ट्रेड को और भी फैसिलिटेट किया जा रहा था आफ्टर 2005 थ्रू दिस स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1. उसके बाद बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए. उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं कॉमकासा, बैका और लेमोआ. कॉमकासा क्या है? कॉमकासा इज़ कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट. इट विल फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इज़ अ की रिक्वायरमेंट फॉर US टू शेयर हाई टेक मिलिट्री हार्डवेयर. अब दिक्कत यह आ रही थी कि हम इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर्स ले रहे हैं, सारी मिसाइल सिस्टम हम US से बोरो कर रहे हैं, तो एक इनक्रिप्शन मोड चाहिए था. तो कॉमकासा इस बेसिकली इनक्रिप्शन मोड जिसमें हम अगर कोई हमारी सबमरीन इंडियन ओशन में चल रही है तो वो कुछ कम्युनिकेशन डिटेल्स दिल्ली हेडक्वार्टर को भेजेगी, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन भेज रही है वो टेररिस्ट चाहे तो हैक कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ करके वो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को थ्रेट कर सकते हैं. तो कॉमकासा बेसिकली यहाँ पे एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है. एनक्रिप्शन ऐसे कि वो सबमरीन से हेडक्वार्टर तक वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी, तो टेररिस्ट चाहे तो उसको हाईजैक नहीं कर सकते. दिस एनक्रिप्शन सिस्टम हम व्हाट्सएप में जो देखते हैं उसका ये हायर वर्जन है, जिसे कॉमकासा नाम दिया गया है. ये हमने लिया था US से. एंड देन कम बैका. बैका इज बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट which facilitates exchange of geospatial information are pacts not signed yet due to severe criticism. Okay, and then LEMOA is logistics exchange memorandum of agreement. LEMOA के अंतर्गत दोनों देशों में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि दोनों एक दूसरों के मिलिट्री फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. इसको बेसिकली रीफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट के लिए काम में लिया गया. तो ये तीन एग्रीमेंट्स थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और शो कर रहे थे कि दोनों डेमोक्रेसीज, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एक पीसफुल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. और नेक्स्ट बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ अगर इंडिया और यूएस के बीच में हुई हो तो वो है मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2+2 डायलॉग. अब हम देखते हैं 2+2 डायलॉग है क्या.
2+2 डायलॉग एक मिनिस्टर लेवल का डायलॉग है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्रीज़ के पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कशन करते हैं. इट लेड टू साइनिंग ऑफ कॉमकासा, मतलब कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था. ये स्टार्ट हुआ था 2018 से, जिसमें लेट सुषमा स्वराज जी ने पार्टिसिपेट किया था. और इसका एक और फ़ायदा ये हुआ था कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, मतलब ट्राइगर ट्रायंप, इसकी स्टार्टिंग हो गई थी. इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस. ट्राई सर्विसेज, इसमें तीनों फोर्सेस एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद हाउडी मोदी वाला इवेंट हुआ था. हाउडी मोदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउडी मोदी के बाद हुआ था नमस्ते ट्रंप. इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि वर्ल्ड के दोनों इंपॉर्टेंट रिकग्नाइज्ड लीडर्स, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, साथ में स्टेज पे दिखाई दिए थे, ऑन स्क्रीन एक साथ दिखाई दिए थे. तो इसकी एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है. बट यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन होगा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का, नमस्ते ट्रंप एंड इंडियन हेल्प टू यूएस टू फाइट कोविड-19. इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद नमस्ते ट्रंप. नमस्ते ट्रंप इवेंट, जिसमें ट्रंप फैमिली अहमदाबाद में लैंड हुई थी. सबसे पहले दे वेंट टू हृदय कुंज साबरमती आश्रम, उसके बाद उन्होंने रोड शो एक दिखाया, उसके बाद मोटेरा स्टेडियम में उन्होंने अपनी स्पीच दी. मोटेरा स्टेडियम, जो कि इंडिया क्लेम करता है नाउ इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम. लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज़ इन नॉर्थ कोरिया. ओके, उसके बाद उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट स्टेटमेंट दिया था. उसके साथ साथ तीन MOUs, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए. उनके बेसिक सब्जेक्ट्स रहे थे एनर्जी सेक्टर से, सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम से और ग्लोबल टेररिज्म से. अगर हम इन डिटेल देखें तो दे आर सम इम्पॉर्टेंट टेकअवेज फ्रॉम ट्रंप्स अराइवल. सबसे पहले उन्होंने क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग को रिवाइटलाइज करने का प्लान किया. क्वाड, ये शॉर्ट फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल का. क्वाड्रिलेटरल एक ग्रुप है जिसमें चार नेशंस हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. फिर हमने बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड ऑर्डर्स प्लेस किए, जैसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, सी हॉक, रोमियो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम. इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात हुई है, इसलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट इस ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में बात की है. नाउ व्हाट इज़ दिस ब्लू डॉट नेटवर्क? ब्लू डॉट नेटवर्क, एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है. बेसिकली दिस इज़ टू सर्व एज अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर रोड्स, पोर्ट्स एंड ब्रिजेस विद फोकस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन. मतलब ये एक सर्टिफिकेशन देगा, एक इवैल्यूएशन बॉडी बन के काम करेगा, जो कि इवैल्यूएट करेगा कि रोड्स, पोर्ट्स और ये जो ब्रिजेस हैं उनकी वैलिडिटी सही है या नहीं है. ये एक डेड ट्रैप नहीं होना चाहिए, जो बेसिकली फंडा है BRI का चाइना की तरफ से. और इसका स्पेशल फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें चाइना बहुत ज़्यादा एसर्टिव हो रहा है. व्हाट आर द पैरामीटर्स कवर्ड अंडर दिस ब्लू डॉट नेटवर्क? तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ब्लू डॉट नेटवर्क विल इवेल्युएट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स on various parameters like level of public consultation, transparency in funding, debt traps and environment norms. Belt and Road initiatives के basically जो भी consequences हुए हैं, जो भी bad implications हुए हैं, basically उनको ही इसमें target किया गया है. उनके projects से, infrastructure projects के
चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ डेट ट्रैप प्लान किया है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और बहुत बार पब्लिक कंसल्टेशन भी नहीं था। तो उनको काउंटर करने के लिए यूएस ने ये स्टार्ट किया है ब्लू डॉट नेटवर्क, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई थी ड्यूरिंग मोदी ट्रंप मीटिंग। उसके बाद अभी का सुपर इम्पॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि रिटन एग्ज़ाम्स के लिए आप इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान में रख लो। स्ट्रक्चर में एक क्विनीन रिंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप बेसिकली इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आ जाए। तो बेसिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज़ एंटी मलेरियल है, मतलब मलेरिया डिसीज़ को फाइट करने में ये ड्रग काम आती है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लेकिन अभी अभी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ने ये रिसर्च किया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अगर हम एजिथ्रोमाइसिन के साथ ले, एजिथ्रोमाइसिन इज़ एन एंटीबायोटिक, इट इज़ एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग। इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ हम एडमिनिस्टर करें तो ये बहुत हद तक कोविड-19 कोरोना वायरस को एलिमिनेट करने के लिए काम आ सकती है। और अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि दिस ड्रग इज़ गेम चेंजर ड्रग, इसी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। ओके, तो यहाँ तक हमारी स्टोरी थी 1947 से लेके मार्च अप्रैल 2020 तक। हमने देखा कि पहले रिलेशंस बहुत ज़्यादा न्यूट्रल थे, फिर नेगेटिव गए, फिर बहुत हद तक पॉजिटिव भी गए। ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो हमारा ट्रेड बहुत हद तक बढ़ा है, लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑफिसर्स। अब हमें अदर साइड भी देखना है, जो चीज़ें न्यूज़ में कम हाईलाइट होती हैं उन पे भी फोकस करना है। इसमें मुझे आपका भी ओपिनियन चाहिए होगा, आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, जो आपके ग्रुप डिस्कशन में और लेक्चर एट में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इंडियाज़ प्रॉब्लम विद यूएस, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी दिक्कत कहाँ हो रही है। तो यूएस हैज़ एलिमिनेटेड इंडिया फ्रॉम जीएसपी। नाउ व्हाट इज़ जीएसपी? जीएसपी इज़ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इससे क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ क्वालिफिकेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, जिसे इक्विटेबल और रीजनेबल हमें एक्सेस मिल रहा था टू दैट कंट्रीज मार्केट। मतलब इंडिया का नाम अगर इस जीएसपी वाली लिस्ट में हो तो हम ट्रेड बहुत अच्छे से वहाँ पे कर सकते थे, वहाँ से हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा था, तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी की बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए ने जीएसपी से हमारा नाम निकाल दिया है, तो इससे हमारी इकोनॉमी में थोड़ा डाउनफॉल देखा गया था। एंड सेकेंड रीज़न वॉज सैंक्शंस ऑन इंडिया टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान। हम बहुत ज़्यादा ऑयल का एक्सपोर्ट कर रहे थे ईरान से, अब उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए तो हम ईरान से ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। इससे ईरान के साथ हमारे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, और आपको पता होगा ईरान के साथ हमारा चबाहर पोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हमें इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन सैंक्शंस की वजह से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी यूएस के साथ। नेक्स्ट सैंक्शन इंडिया को लगाया जा सकता है, बिकॉज वी हैव परचेस्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के मिलिट्री स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। और यूएस ने एक और रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि हम हवाई इक्विपमेंट्स के साथ कोई डील नहीं कर सकते। हवाई इक्विपमेंट्स जो कि 5G नेटवर्क पे काम कर रहा है, एंड इंडिया वॉज कीन अबाउट दिस प्रोजेक्ट, बट यूएस के सैंक्शंस की वजह से वी हैव नॉट जॉइंड हैंड्स। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स को हैम्पर कर रहे हैं, एंड वी एक्चुअली नीड टू थॉट अबाउट इट। आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं कि आपका और क्या ओपिनियन है इस रिलेशनशिप के बारे में। इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन योर एसएसबीज।
So this was the end of our video lecture. Hope you liked it. I'll see you guys in next series.